आज अपनी रसोई में हम बनाएंगे मूंग मसाला चाट। तो इसके लिए हमें चाहिए साबुत मूंग की दाल आधी कटोरी। तो मूंग की दाल को हम 1.5 गिलास पानी से भिगोकर रख देंगे 4-5 घंटे के लिए। तो देखिए 4-5 घंटे हो चुके हैं और मूंग की दाल थोड़ा सॉफ्ट हो चुकी है देखिए। और इसकी चाट बनेगी, बहुत ही न्यूट्रिशन होता है जिसमें, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो अब हम पैन लेंगे, इसमें हम 1 गिलास पानी डालेंगे और थोड़ा नमक डाल देंगे और इसमें हल्दी डाल देंगे थोड़ा कलर आ जाए, और इसमें मूंग की दाल डाल देंगे और इसमें हम 10 से 15 मिनट के लिए हम इसको धीमी आंच पर बॉईल करेंगे जिससे और भी सॉफ्ट हो जाए। देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और ये दाल हमारी अच्छे से पक गई है। तो अब चाट बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए ये हमारे पास है। सबसे पहले मूंग की दाल, ये हमने आधी कटोरी ली थी, उबाल कर ये फूल कर ये 1 कटोरी हो चुकी है। और लाल मिर्च पाउडर, हरी मिर्च, प्याज कटा हुआ, टमाटर बारीक कटा हुआ, और चाट मसाला, गरम मसाला, नींबू और लहसुन। तो हमने गैस ऑन करके पैन चढ़ा दिया है। बड़े वाला 1/2 स्पून हम ऑयल लेंगे, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है और ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। इसमें हमने लहसुन डाल दिया है बारीक कटा हुआ और ये हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज और इसको भी हल्का हल्का पिंक होने देना है, ज़्यादा नहीं पकाना देर तक। और फ्रेंड हमारे वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और देखिए प्याज हमारी अच्छे से पिंक हो गई है। इसमें हमने हरी वाली मिर्ची डाल दी है, हरी मिर्च, और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको तीखा जितना चाहिए तो आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसमें हमने बारीक कटा हुआ टमाटर डाल दिया है और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है और इसका कलर भी देखिए कितना फाइन लग रहा है। और ये हमारी मज़ेदार चाट बनेगी, आप भी इस तरीके से बनाइए। और ये बहुत ही वेट लॉस करने के लिए फ़ायदेमंद होती है और बच्चों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद न्यूट्रिशन डाइट है हमारी ये। तो अब हम पैन में डाल देंगे मूंग की बॉईल करी हुई दाल और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, सब मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम डालेंगे अब लाल मिर्च पाउडर, ये आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और गरम मसाला, चाट मसाला, अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। और इसको 5 से 7 मिनट और पकाएंगे इसी तरह गैस पर। तो देखिए हमारी मूंग की दाल वाली चाट बन चुकी है और अच्छे से मसाले मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें 1 नींबू का रस गैस बंद करने के बाद डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारी झटपट बनने वाली मूंग की दाल वाली चाट अच्छे से बनकर रेडी है। अब इसको हमने सर्व कर दिया है और इसको गार्निश कर दिया है धनिया पत्ते से। तो देखिए फ्रेंड कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।